एक बार फिर मैं उसी जगह आ चुका हूँ जहाँ से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तब बारिश होने की वजह से मैं घर वापस चला गया था, मगर आज उस अधूरे दिन को पूरा करने का वक्त आ चुका है। ना जा चक्री के मारे, ना जा सोतन पुकारे, सवाल आएगा तो पूछेगा, ना जा रे। फिकी फिकी बेसुआ दिए रतिया, खटूर कटे ना अब तेरे बिन, सजना सजना काटे कटे ना, कटे ना तेरे बिना बेसुआ दी बेसुआ दी रतिया, वो सजना दम दर दम दर मस्त मस्त दर दम दर दम दर मस्त मस्त दर दम दर दम दम ओ हम दम बिन तेरे क्या जीना। तो आ गया तो 2023 आने वाला है और 2022 जाने वाला है, और ये साल जब शुरू हुआ था तब मैंने कुछ प्लान्स बनाए थे। जिनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे नहीं हो पाए। तो उन्हीं अधूरे प्लान्स में से एक प्लान था यमुना घाट जाने का सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पे वो फॉगी वाइब नहीं आती, तो वो अधूरा प्लान मैंने पूरा किया इन दिनों में। तो अभी हम आ चुके हैं यमुना घाट, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी ठंड होती, नहीं तो एक और लेयरिंग करके आता मैं खुद के ऊपर। नाक वाक सब कुछ जम चुका है, और भाई नजारा, भाई 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 भाई, भाई। दिख रहा है आपको, मेहनत वेस्ट नहीं हुई। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना, धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा, धागा। तो ये पक्षियों को बुलाने का टोटका मिल चुका है। आ गया। तो आज पता चला कि सारे फोटोग्राफर्स दिल्ली के यमुना घाट क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारों में एक तरह का नशा है। दूर दूर से भारी भरकम कैमरा लेके लोग यहाँ तस्वीरें खींचने आते हैं। सर्दियों में यहाँ सुबह 5:30 बजे से फोटोग्राफर्स की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वहाँ 3.5 घंटे तक रुकने के बाद हमने उस जगह को अलविदा कहा और चल दिए चाय पीने। चाय की दुकान कहाँ होगी अंकल जी? चाय की दुकान, चाय की दुकान बाहर है ना। अच्छा, 3 चाय दे दो। एक और प्लान था कि इस साल के आखिर तक मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करूं, मगर आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार की वजह से आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो इसका भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया है मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए। वो जो लम्हे थे फिर जी लूं, 10,000 सब्सक्राइबर स्पेशल केक भी आ चुका है, फिर जी लूं, अब तो है अपने ही राहों पे हम हैं चलते।
फिर कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली थी तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। और फिर दिवाली का माहौल आप खुद ही देख लीजिए। मोती बेराना चौक मा आव्या अंबे मा, चौक मा जगमग थाय रे आव्या अंबे मा। मोती बेराना चौक मा आव्या अंबे मा, चौक मा जगमग थाय रे आव्या अंबे मा। उड़ाओ लाल लाल के आव्या अंबे मा, चौकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मा। इस साल के सभी त्योहार मैंने बड़े ही धूमधाम से मनाए रे आव्या अंबे मा। तो मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और नए साल के साथ साथ कुछ नया आना चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस साल की। तो ये साल मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मैंने अपना पब्लिक फियर तोड़ा और बहुत सारी जगहों पे घूमा जो कि मैं हमेशा से चाहता था। जो चीज़ें मैंने अब तक क्रिएटर्स के साथ होते हुए देखी थी वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स ने सपोर्ट भी किया और मैंने कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए। इस साल मैंने अपना पहला आईफोन भी खरीदा अपनी मेहनत से। और हाँ, हाल ही में आपके भाई साहब को फिर से किसी ने पहचान लिया जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और भी कई सारी चीज़ें हुई इस साल जो कि मेरे जैसे एक लड़के के लिए सपने की तरह थी। और ये सपना पूरा हो पाया तो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो शुक्रिया। तो अब बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो कि मुझे नए साल से लागू करने हैं। सबसे पहली बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे कैमरे पे बात नहीं करी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा समय लगा संभलने में। अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी में मैंने उतना खुल के बात नहीं करी, आपने नोटिस भी किया होगा। और भी कई सारी चीज़ें मुझे समझ आई और लगी कि नहीं, इन सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। तो उन सभी पे मैं इस साल काम करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए भाई, कोई इंसान जन्म से सीख के नहीं आता, या तो वो सीखता है इस दुनिया से या तो अपनी गलतियों से। और बाकी तो आपने सुना ही होगा कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ऐसे ही अब हम धीरे धीरे सीखते हुए आगे चलेंगे। और बात रही इम्प्रूवमेंट की, तो इस साल बहुत कुछ नया होने वाला है। बस आप इतना अंदाज़ा लगा लो कि ये साल और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर किसी एक नए व्लॉग में एक नए अंदाज के साथ। मैंने जब ये सफ़र शुरू किया था तब मैं कम चीज़ें, ज़्यादा मेहनत और बहुत सारे सपने लेके निकला था। जब निकला था तब मन में एक छोटी सी जिद लेके निकला था। आज उसी जिद ने मुझे 10,000 लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। और आपके फाइनली कम्प्लीट हो गए 10,000 सब्सक्राइबर्स। राहुल भाई, यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर 10K एंड आपके वीडियोस एंड ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्टेंट डालते रहिए। तो कैसे हो एडिटर भाई? आप इसी तरह वीडियो बनाते रहिए, हम लोग एंटरटेन करते रहिए, हमारे वीडियो देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। दुआ करते हैं कि आगे भी बहुत जल्द 1,00,000 और 1,000,000 पूरे हो जाएंगे और वो सिल्वर और गोल्डन चमकता बटन आपके पास होगा। मुझे पता है कि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में और सिनेमैटिक्स लेने में, फिर उनको बीट्स पर, ये सब कुछ मुझे पता है, मैं झेल रहा हूँ ये सब चीज़ें। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बनाते रहिएगा, बहुत पसंद आते हैं, मेरी फैमिली भी देखती है, मैं भी देखता हूँ। रिवॉल्यूशन, हर रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी ठीक वैसे ही कैमरा वाले भैया और शिवा तिवारी भाई के साथ हुई थी, पर एडिटर भाई साहब ने इस रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा तबाही मचा दी। कैसे? फ़ोन से कंटेंट बनाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एडिटर भाई साहब आपके 10K सब्सक्राइबर्स के लिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट ज़रूरी है, क्रिएटिविटी ज़रूरी है। जाने से पहले आपके लिए दो लाइनें हमने लिखे हैं कि मंजिल की राहों में बहुत सारे राही है लेकिन हर कोई साथ नहीं चलते। मंजिल के राहों में बहुत सारे राही है लेकिन हर कोई साथ नहीं चलते। आप जैसा काम कर रहे हो बस करते जाओ एडिटर भाई साहब।
क्योंकि हम भी इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं छोड़ते। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। तो बस बनाते रहिए हम आपके साथ। तो आप लगे रहो बस यार, जो भी कर रहे हो हटके कर रहे हो। आप तो हमारे लिए आइडियल है, आप ऐसे वीडियो बनाते रहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी वीडियो बनाना छोड़िएगा। इस छोटे से सफर ने मुझे इतना कुछ दिया है जो कि मेरे जैसे एक लड़के के लिए सपने की तरह था। मैं नहीं जानता कि मैं आगे कहां तक पहुंचूंगा, मगर मैं इतना जानता हूं कि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ 10,000 लोग जो है कटूर कटे ना कटे ना, अब तेरे बिन सजना सजना काटे कटे ना।